कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बिल्कुल अच्छे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो पूनम मिश्रा रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम पालक लिए हैं, जो वजन में बताएं तो 200 ग्राम के करीब है, और इसे अच्छे से धो लिए हैं। देखिए इस तरह से साफ से इसको धो लिए हैं। और ये आलू है देखिए 3 से 4, और इसे हम इस तरह से मोटे मोटे शेप में काट लिए हैं। तो आज हम बनाएंगे लहसुनी आलू और पालक। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए कढ़ाई में हम 2 गिलास के करीब पानी रख दिए थे, जो अच्छे से देख सकते हैं गर्म हो गया है। इसमें हम पालक को डाल देंगे ऐसे ही, और इसे हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे इसमें उबालना है पालक को। देखिए पालक को हमें इसी तरह से पानी में दबा देना है इसे, और बस 2 मिनट हम इसको इसमें ऐसे रखेंगे। देखिए पालक को उबालते हुए हमें 2 मिनट हो गया। तो हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे ले चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बर्तन में ठंडा पानी ले लिए हैं, तो पालक को हम इसमें से हम निकाल के और अब उस पानी में डाल देंगे। हम ऐसे इसे डाल देंगे, तो इससे इसका कलर जो है बिल्कुल इसी तरह से पड़ा रहेगा। तो अब हम इसमें इसको डाल देते हैं, इसी में ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए पालक बिल्कुल अच्छे से पिस गई है, तो इसे हम इसमें पलट लेते हैं। देखिए पालक इसमें हम रख दिए हैं, और ये आलू है। तो चलिए अब हम आलू को फ्राई कर लेते हैं। देखिए कढ़ाई में हम सरसों का तेल डाल दिए थे, और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। तो अब हम इसमें आलू को डाल देते हैं। आइए इसे हम चला देते हैं, और हम इसे थोड़ा सा गोल्डन होने तक इसको भून लेंगे। ये देखिए जब तक आलू फ्राई हो रहा है, तब तक हमें अदरक लहसुन मिर्चे का पेस्ट बना लेते हैं। देखिए आलू हमारा बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। चलिए अब उसी तेल में हम देखिए 1 चम्मच के करीब जीरा डाल देते हैं, और ये हींग डाल देते हैं थोड़ी सी, और इसे चला देते हैं। और इसमें अब हम प्याज को डाल देंगे। ये 2 मीडियम साइज की कटी प्याज है, तो अब इसे भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। अब इसमें हम लहसुन अदरक और मिर्च का पेस्ट भी डाल देंगे, और इसे भी चला देंगे थोड़ा सा 1-2 मिनट। इसको भी हम भून लेंगे ऐसे ही। देखिए अब लहसुन मिर्चा भी भुना गया अच्छे से, प्याज भी हो गई। तो अब इसमें हम 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर डाल देते हैं, ये जीरा और काली मिर्च का पाउडर है 1/2 चम्मच, और ये गरम मसाला है, हल्दी है, नमक है स्वाद के अनुसार। और अब हम सबको मिक्स कर देंगे। अब इसमें मसाला हमारा जले ना, इसलिए हम वो पालक का ही जो पानी है उसे डाल देते हैं इसमें, और मसाले को अच्छे से अब हम भून लेंगे इसी में। देखिए मसाला बिल्कुल अच्छे से अब हमारा भुना गया है, तो अब हम इसमें पालक का पेस्ट को ऐसे डाल देते हैं इसमें, और अब इसे भी 2-3 मिनट हमें ऐसे ही भूनना है। देखिए पालक भी हम 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से भून लिए हैं। तो अब यहाँ पे हम थोड़ी सी फेंटी हुई क्रीम थी इसे डाल देते हैं इस पर। अगर आप दही डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, तो इससे स्वाद और टेस्टी हो जाएगा और क्रीमी क्रीमी बनेगा बिल्कुल आपका ये लहसुनी आलू और पालक। देखिए इसमें क्रीम को मिला दिए, तो कलर और देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया इसका। तो अब हम यहाँ पे जो आलू फ्राई किए थे उसे हम डाल देते हैं इसमें, और इसे भी 1 से 2 मिनट ऐसे ही पका लेंगे। देखिए अब सब पक के पूरा इसमें घी और तेल मलाई जो भी हम सब डाले सभी ऊपर आ गए। तो इसमें अब हम 1 कप के करीब पानी डाल देंगे, ताकि हम जो आलू डाले हैं वो अच्छे से हमारा पक जाए। तो अब इसे हम चला देते हैं, और हमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी इसकी नहीं बनानी है। अब हम इसे ऐसे ही ढक्कन लगा के 4 से 5 मिनट तक इसको ऐसे ही पका देंगे। कर लेते हैं, देखिए बिल्कुल अच्छे से सब्ज़ी अब जैसी हमें चाहिए हमारी हो गई है, लहसुनी आलू पालक बिल्कुल रेडी हो गया। तो चलिए इसे अब हम सर्व करते हैं। अब देखिए हमें पहले तड़का देना है उसमें अब, तो हम यहाँ पे घी ले रहे हैं, आप बटर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें बढ़ाकर घी डालना है 1 से 1.5 चम्मच, और इसे हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं पहले। देखिए घी गर्म हो गया, इसमें अब हम लहसुन, देखिए ये जबकि बन रहा है लहसुनी पालक, तो हमें लहसुन की मात्रा ज़्यादा रखनी, तो हम 1 गांठ लहसुन इसको पूरी अच्छे से छील के और काट के तो अब हम इसे इसमें डाल देते हैं। देखिए लहसुन थोड़ा सा हो गया मेरा, तो यहाँ पे हम 2 से 3 लाल वाली सूखी मिर्च को डाल देते हैं, और इसे भी थोड़ा सा भून लेते हैं इसी में। देखिए लहसुन और मिर्च हमारी अच्छे से भुना गई, तो हम गैस को बंद कर दिए। चलिए अब हम सर्व करते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, देखिए हम यहाँ पे सर्व कर दिए हैं। तो अब हम बिल्कुल ढाबे स्टाइल में आज आपको बनाना बताएं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इस पर अब ऐसे आप तड़का लगा दीजिए बिल्कुल लहसुन का, और ये देखिए अब आपका तैयार हो गया बिल्कुल ढाबा स्टाइल में आपका आलू लहसुनी पालक। तो इस तरीके से चलिए फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से एक बार आप इस ठंडी में ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, बहुत ही हेल्दी डिश है। अगर बच्चे पालक नहीं खाते हैं तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो वो ज़रूर दो के जगह 3-4 रोटी ज़रूर खाएंगे, क्योंकि इसमें घी भी है, पालक भी है, सभी चीज़ हेल्दी ही है। तो इस आलू लहसुनी पालक को ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अगर आज की फ्रेंड्स अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी तरह से एक और अच्छी और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।